न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। प्रदेश की सरकार ने अनलॉक की ओर कदम बढ़ाते हुए मंदिरों और स्कूलों को भी खोलने का ऐलान किया है। इसी बीच मुंबई के KEM और सेट GS मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खुलासे के बाद सरकार को सोचने पर बाध्य होना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, परेशानी कायम है। परेशानी अतिवृष्टि के कारण भी बरकरार है। गुलाब चक्रवात की वजह से बीते दो दिनों में महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से में भारी बारिश की चपेट में आ चुके हैं। लाखों हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें चौपट हो चुकी हैं। 436 लोगों की मौत अभी तक दर्ज की गई है। इस बीच कला के सामने नतमस्तक करने वाली खबर भी सुर्खियों में है। पुणे के आंबेगांव स्थित शिल्पकार सुप्रिया शिंदे राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार की प्रतिमा बनाने का काम कर रही है। सांसद सुप्रिया सुले वहां पहुंची तो हूबहू शरद पवार की प्रतिमा को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिल्म उद्योग की पहचान खास है और खास पहचान है साजिद नाडियाडवाला की भी। भारतीय फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल की बैठक में उन्हें फिर से IFTPC का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा एक और खबर खास है। कोल्हापुर जिले में स्कूल के आर्ट्स शिक्षक ने स्कूली छात्रा का यौन शोषण किया था। इस मामले में शिक्षक शीतल कुमार बलवंत माने को कोल्हापुर जिला सत्र न्यायाधीश AM महात्मे ने 4 साल की सख्त मजदूरी और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को आइए अब विस्तार से जानते हैं। मुंबई में कोरोना अभी भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ताजा मामला मुंबई के KEM और सेट GS मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 29 छात्रों से जुड़ा है। सभी 29 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 29 में से 23 विद्यार्थी सेकंड ईयर MBBS के छात्र है, जबकि 6 विद्यार्थी फर्स्ट ईयर MBBS के छात्र है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 29 विद्यार्थियों में से 27 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी। फिलहाल 2 छात्रों को इलाज के लिए मुंबई के सेवन हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जबकि अन्य लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। फिलहाल यह जांच की जा रही है आखिर यह सभी लोग कोरोना की चपेट में कैसे आए। इसके पहले मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में एक अनाथालय में रहने वाले कई बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुंबई शहर में अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी का खतरा बरकरार है। यह सभी वार्ड कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं। बता दें कि प्रदेश की सरकार ने अनलॉक की ओर कदम बढ़ाते हुए मंदिरों और स्कूलों को भी खोलने का ऐलान किया है। इन घटनाओं से सरकार को सोचने पर बाध्य होना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बताया कि गुलाब चक्रवात की वजह से बीते दो दिनों में महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से भारी बारिश की चपेट में आ चुके हैं। लाखों हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें चौपट हो चुकी है। वडेट्टीवार के अनुसार इस वर्ष बारिश की वजह से 436 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 196 लोगों की मौत राज्य में बिजली गिरने की वजह से हुई है। मराठवाड़ा के 10 में से 6 जिलों में 180% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश की वजह से अभी तक 6 लोग लापता है जिनके शव नहीं मिल पाए हैं। वहीं उस्मानाबाद में 16 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। अगर इस महीने की बात की जाए तो 71 लोगों की मौत हुई है, जबकि 26 लोग जख्मी हुए हैं। बारिश की वजह से हुए नुकसान का पंचनामा पूरे राज्य में किया जा रहा है। कई जगहों पर 4 बार और कई जगह पर 8 बार भी नुकसान हुआ है। इस आसमानी त्रासदी की वजह से 196 जानवरों की भी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। 21 जिलों में तकरीबन 17 लाख हेक्टेयर खेती का नुकसान हुआ है। वडेट्टीवार ने बताया कि गुलाब चक्रवात की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि बिजली गिरने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जाता है, हालांकि उनके परिवारों को भी मुआवजे की रकम दी जाएगी। पुणे के आंबेगांव स्थित शिल्पकार सुप्रिया शिंदे राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार की प्रतिमा बनाने का काम कर रही है। सांसद सुप्रिया सुले ने हाल ही में यह उपस्थिति दर्ज कराई थी। उस समय हूबहू शरद पवार की प्रतिमा को देखकर सांसद सुप्रिया सुले आश्चर्यचकित रह गई। आंबेगांव परिसर के विकास कामों के लोकार्पण के दौरान सुले ने इस जगह का दौरा किया था। उस समय शिंदे के आकर्षक काम को देखकर उन्होंने तारीफ की थी। सुप्रिया सुले ने कहा कि पुणे की सुप्रिया शेखर शिंदे के वर्कशॉप का दौरा किया। इस वर्कशॉप में सुप्रिया द्वारा किया जा रहा काम चौंकाने वाला है। यहाँ पर उन्होंने राजमाता जीजाऊ माँ साहेब और बाल शिवाजी की झांकी बनाई है। इसके अलावा शरद चंद्र पवार साहब की प्रतिमा भी ध्यान खींचने वाली है। इन शब्दों में सांसद सुप्रिया सुले ने शिल्पकार सुप्रिया शिंदे की सराहना की। मायके में पिता के गणपति बनाने के कारखाने में मिट्टी को आकार देने वाली सुप्रिया ने भारतीय विद्यापीठ से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई शुरू की। पति शेखर शिंदे मिट्टी फाइबर से सीधा पंचधातु की प्रतिमा बनाने में सफलता प्राप्त की।
इसी बीच पिछले 8 साल में मांग के अनुसार सैकड़ों कलाकृति और प्रतिमा राज्य सहित देश के कई हिस्सों में पहुंचाया। इस बीच शरद पवार की प्रतिमा की संकल्पना आगे आई और उन्होंने उस चुनौती को पूरा करने की शुरुआत कर दी। भारतीय फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल की 30वीं AGM 29 सितंबर 2021 को साजिद नाडियाद्वाला की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। इसमें एक बार फिर से साजिद नाडियाद्वाला को IFTPC का अध्यक्ष चुना गया है। साजिद नाडियाद्वाला 2011-12 से लगातार अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। संबोधन में नाडियाद्वाला ने महामारी के कारण उद्योग की गंभीर स्थिति पर अफसोस जताया, समीक्षाधीन वर्ष में परिषद द्वारा की गई उपलब्धियां और प्रगति का विवरण दिया। सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर महाराष्ट्र सरकार की हालिया घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में आएंगे। उन्होंने आगे बताया कि लंदन में सिनेमाघर महीनों पहले से बुक हो जाते हैं और उन्हें उम्मीद है कि भारत में भी यही ट्रेंड होगा। उन्होंने महामारी के दौरान सहयोग के लिए बोर्ड के सदस्यों और अन्य सदस्यों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने उद्योग के कल्याण के लिए अथक प्रयास करने के लिए JD मजेठिया की भी सराहना की। टीवी वेबविंग के चेयरमैन JD मजेठिया ने कहा कि कठिन समय ने निर्माताओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। कोल्हापुर जिले में स्कूल के 8 शिक्षक ने स्कूली छात्रा का यौन शोषण किया था। इस मामले में शिक्षक शीतल कुमार बलवंत माने को कोल्हापुर जिला सत्र न्यायाधीश AM महात्मे ने 4 साल की सख्त मजदूरी और ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई, साथ ही पीड़िता को ₹25,000 नुकसान भरपाई देने का आदेश दिया है। आरोपी माने स्कूल में ड्राइंग के शिक्षक है। क्लास के दौरान लड़की से पहचान हुई। पीड़ित लड़की घर में अपनी माँ के फोन का इस्तेमाल करती थी। आरोपी ने इस लड़की से मीठी मीठी बातें करके मोबाइल नंबर लिया, साथ ही उसने खुद के मोबाइल से लड़की की माँ के मोबाइल पर अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भेजा। स्कूल में भी छेड़छाड़ की। लड़की ने इस बात की जानकारी अपने घर के लोगों को दी। उसके बाद लड़की के घर वालों ने राजारामपुरी पुलिस थाने में माने के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस निरीक्षक संजय सालुंके ने माने के खिलाफ छोटे बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण कानून की धारा 13 और सूचना तकनीकी अधिनियम धारा 67 के अनुसार FIR दर्ज किया। उसके बाद माने के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। आज पश्चिम बंगाल का पारा हाई है। भवानीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। इस हाई वोल्टेज चुनाव में ममता बनर्जी के सामने खड़ी BJP प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल ने प्रशासन पर अनियमितता का आरोप लगाया है। भवानीपुर के अलावा मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। इन चुनाव में ममता बनर्जी की साख दांव पर लगी है, इसलिए TMC के कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। दूसरी तरफ पंजाब का सियासी घमासान दिल्ली में गजब ढा रहा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की ओर से पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा किए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने कल उनके आवास को निशाना बनाया था, जमकर नारेबाजी की थी। अब पार्टी के ही दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने इसे गुंडागर्दी करार दिया है और सोनिया गांधी से इससे सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीच मिड डे मील का नाम बदलने से विपक्ष दल खफा है। उनका आरोप है कि केवल पुरानी स्कीम का नाम बदला गया है और उससे हर प्रकार निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की गई है। एक और बड़ी खबर, कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक वीडियो के कारण कलेक्टर और SSP कटघरे में हैं। वायरल वीडियो में मीनाक्षी 4 साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर पति की मौत का इंसाफ मांग रही है और दोनों अधिकारी उन्हें कानूनी पचड़े में नहीं पड़ने की सलाह दे रहे हैं। अब एक विशेष जानकारी, देश में 55 साल पुराने एंटीने का सफर अब बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब घरों की छतों पर एंटीना देखने को नहीं मिलेगा। प्रसार भारती ने 1 अक्टूबर से DD नेशनल की एनालॉग फ्रीक्वेंसी को बंद करने का फैसला लिया है। अब DD नेशनल सिर्फ सैटेलाइट डिश के जरिए ही देखा जा सकेगा। तो आइए देश की इन 5 बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी सियासी पारा उतना ही ऊपर दिख रहा है जितना नंदीग्राम चुनाव के समय। भवानीपुर सीट पर गुरुवार को मतदान शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद यहां से BJP प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल ने आरोप लगाया कि TMC विधायक मदन मित्रा ने जानबूझकर एक बूथ पर वोटिंग मशीन को बंद कर दिया। प्रियंका टिबरेवाल भवानीपुर क्षेत्र में पोलिंग बूथों का दौरा कर रही थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट से उपचुनाव लड़ रही है। इस हाई वोल्टेज चुनाव में ममता के सामने खड़ी BJP प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल ने कहा कि मदन मित्रा ने जानबूझकर यहां की वोटिंग मशीन बंद की क्योंकि वह बूथ कैप्चर करना चाहते हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि बंगाल सरकार डर में जी रही है। भवानीपुर के साथ ही बंगाल की 2 अन्य सीटों पर गुरुवार सुबह 7 बजे उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया था। भवानीपुर के अलावा मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। मतगणना 3 अक्टूबर को होनी है।
इन चुनाव में ममता बनर्जी की साख दांव पर लगी है, इसलिए टीएमसी के कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। पंजाब में मची सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की ओर से पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा किए जाने के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को उनके आवास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी को कांग्रेस के पार्टी के दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने गुंडागर्दी करार दिया है। शर्मा ने गुरुवार को कपिल सिब्बल के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध पर नाराजगी जताई और सोनिया गांधी से इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखने का इतिहास रहा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर के बाहर हुए प्रदर्शन के मद्देनजर गुरुवार को कई ट्वीट पर आनंद शर्मा ने कहा कि कपिल सिब्बल के घर पर हमले और गुंडागर्दी की खबर सुनकर स्तब्ध और निराश हूं। यह निंदनीय कार्रवाई पार्टी को बदनाम करती है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें अनुशासित किया जाना चाहिए। अपने ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मामले की संज्ञान लेने और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इसके तहत 5 साल के लिए सरकार ने कुल 1.3 लाख करोड़ का बजट भी आवंटित किया है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलने पर अब राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। विपक्ष दलों ने इस योजना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधना शुरू किया है। सरकार की इस योजना का विपक्ष ने विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केवल पुराने स्कीम का नाम बदला गया है और उसे हर प्रकार से निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की गई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि 1995 की पुरानी मध्याह्न भोजन MDM योजना का नाम बदलने के बजाय शायद सरकार को सभी भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के अदानी अधिग्रहण का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर देना चाहिए। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है कि मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया है। नाम बदलने से ये कैसे सिद्ध होगा कि उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण के नाम पर भी बच्चों को केवल नमक तेल रोटी नहीं परोसी जाएगी। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि पुलिस की मारपीट से मनीष की मौत हुई है। इस केस में दो बड़े मोड़ आए हैं। पहला ये कि कानपुर प्रशासन ने तड़के मनीष का अंतिम संस्कार करा दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम परिवार की सहमति से उठाया गया है। दूसरा, एक दिन पहले ही गोरखपुर के DM और SSP का वीडियो सामने आया है जिसमें वे मनीष की पत्नी को धमकी भरे अंदाज में केस दर्ज न कराने की सलाह दे रहे हैं। मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। इसमें मनीष की बॉडी पर चोट के निशान पाए गए हैं। पत्नी मीनाक्षी केस की जांच SIT से कराने की मांग कर रही है। वे मुख्यमंत्री योगी से मिलना चाहती है। आरोप है कि सोमवार की रात गोरखपुर के होटल में ठहरे मनीष को पुलिस कर्मियों ने पीटा था। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मनीष का शव बुधवार सुबह 9 बजे गोरखपुर से कानपुर उनके घर लाया गया था। घटना से नाराज परिजन ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। इस बीच एक वीडियो के कारण कलेक्टर और SSP कटघरे में है। वायरल वीडियो में मीनाक्षी 4 साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर पति की मौत का इंसाफ मांग रही है। देश में 55 साल पुराने एंटीने का सफर अब बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब घरों की छतों पर एंटीना देखने को नहीं मिलेगा। प्रसार भारती ने 1 अक्टूबर से DD नेशनल की एनालॉग फ्रिक्वेंसी को बंद करने का फैसला लिया है। अब DD नेशनल सिर्फ सैटेलाइट डिश के जरिए ही देखा जा सकेगा। इस बारे में प्रसार भारती ने आसपास चल रहे सभी रिले सेंटरों को पत्र जारी कर दिया है। दूरदर्शन रिले केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि स्थलीय प्रेषित्र सेवा के तहत प्रसारित किए जा रहे दूरदर्शन के कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2021 के पश्चात बंद कर दिए जाएंगे। दर्शकों को ये कार्यक्रम अब एंटीना के माध्यम से देखने को नहीं मिलेंगे। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम देखने के लिए DD फ्री डिश पर उपलब्ध है। याद हो कि 1965 के दशक में दिल्ली में प्रसार भारती की तरफ से दूरदर्शन केंद्र का निर्माण किया गया था। तब तक सैटेलाइट के युग का उदय नहीं हुआ था। लोगों के घरों तक चैनल के सिग्नल भेजने के लिए एनालॉग तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इस तकनीक में एक सेंटर से चैनल की तरंगों को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता था। उसके बाद लोग अपने घरों में छत पर एंटीना लगाकर इन तरंगों को पकड़ते थे जो टेलीविजन बॉक्स तक पहुंचती थी। वर्ष 2004 तक एंटीना के जरिए चलने वाले DD नेशनल व DD मेट्रो लोगों के पसंदीदा चैनल हुआ करते थे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं है। सिर्फ वह अपनी बहन किम यो जोंग पर ही विश्वास करता है। रिपोर्ट की माने तो सन की तानाशाह ने अपनी बहन का कद और बड़ा कर दिया है। अब उन्हें उत्तर कोरिया की स्टेट अफेयर्स कमीशन का प्रमुख बनाया गया है। यहाँ के लोग भले खामोश हो लेकिन बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान विरोधी विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इमरान खान सरकार डरी हुई है, इसलिए सरकारी अधिकारियों को पाकिस्तान के प्रति निष्ठा जताने के लिए अजीबोगरीब निर्देश दिए गए हैं। उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद का कॉलरट्यून लगाने को कहा गया है, पर तालिबान है कि मानता नहीं। तालिबान ने काबुल यूनिवर्सिटी को महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए बंद कर दिया गया है।
पिछले हफ्ते ही अधिकारियों ने कहा था कि अफगानिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटी में महिलाओं के पढ़ने और पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जब तक उन्हें पुरुषों से अलग नहीं कर दिया जाता, और ऐसा हुआ भी। अफगानिस्तान की महिलाओं में इसे लेकर चिंता है, चिंतित भारत भी है, क्योंकि रूस ने ऐलान किया है कि वह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाएगा। चिंता में 42वें देश भी है जो चीन की चाल के शिकार हो गए हैं। चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना ने इन देशों को चीन का 385 अरब डॉलर का कर्जदार बना दिया है। दुनिया को नई दिशा देने वाली पांच बड़ी खबरों को आइए अब विस्तार से जानते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग को दक्षिण कोरिया और अमेरिका को धमकाने का इनाम मिला है। उन्हें अब उत्तर कोरिया के स्टेट अफेयर्स कमीशन का प्रमुख बनाया गया है। देश की रबर स्टैम्प संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली ने भी उनकी नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही इस आयोग के कम से कम 9 सदस्यों को बर्खास्त किया गया था। इसमें स्टेट अफेयर्स कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट और राजनयिक चो सुन हुई भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चो सुन हुई ने ही अमेरिका के साथ बातचीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। किम यो जोंग को अक्सर अपने भाई के नज़दीक देखा जाता रहा है। अभी तक किम यो जोंग अपने भाई और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सलाहकार के पद पर काबिज थी। इन दोनों ने एक साथ स्विट्जरलैंड में पढ़ाई भी की है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ शिखर बैठकों में भी किम यो जोंग शामिल हुई थी। उत्तर कोरिया में उनकी सटीक राजनीतिक भूमिका लंबे समय से रहस्य रही है। कई बार ऐसा भी दावा किया गया है कि वह अपने भाई के बाद देश की अगली प्रमुख हो सकती है। बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान विरोधी विद्रोहियों के लगातार बढ़ते हमलों से इमरान खान सरकार डरी हुई है। विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी क्वेटा में कुछ दिन पहले ही एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया था। इस हमले में कई पुलिस कर्मियों के अलावा 7 लोगों की मौत हुई थी। सेरेना होटल के बाहर 2 बार हमले किए जा चुके हैं। पाक सरकार चाहकर भी बलूचिस्तान में हमले नहीं रोक पा रही। ऐसे में वह इस राज्य के लोगों को अब देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोशिश में जुटा है। सरकारी अधिकारियों को पाकिस्तान के प्रति निष्ठा जताने के लिए अजीबोगरीब निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान सरकार ने अपने अधिकारियों को पाकिस्तान जिंदाबाद का कॉलर ट्यून लगाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, जारी किए आदेश में इस कॉलर ट्यून को लगाने का तरीका भी बताया गया है। बलूचिस्तान सरकार के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ हुई बैठक में पाकिस्तान जिंदाबाद कॉलर ट्यून लगाने का फैसला किया गया है। बलूचिस्तान राज्य के सभी कर्मचारियों को यह कॉलर ट्यून लगाना अनिवार्य होगा। तालिबान के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कहा था कि अफगानिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटी में महिलाओं के पढ़ने और पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जब तक उन्हें पुरुषों से अलग नहीं कर दिया जाता, लेकिन काबुल यूनिवर्सिटी को महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में सन्नाटा पसरा रहा और छात्र व छात्राओं को घर वापस भेज दिया गया। सभी क्लास सस्पेंड कर दी गई और सिर्फ पुरुष कर्मचारियों को ही ऑफिस और रिसर्च संबंधी काम करने की छूट दी गई। काबुल यूनिवर्सिटी का अचानक बंद होना तालिबान की कठोर शिक्षा नीति को दिखाता है, जिसके मुताबिक महिलाओं को सिर्फ पारंपरिक कपड़ों में ही कॉलेज आने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें पुरुषों से अलग रखा जाएगा। तालिबान की ओर से नियुक्त काबुल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति ने इस हफ्ते ट्वीट कर कहा, जब तक सभी के लिए एक इस्लामिक वातावरण नहीं बनाया जाता, महिलाओं को यूनिवर्सिटी में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, इस्लाम सबसे पहले, तालिबान के इस फैसले पर चिंता जताई जा रही है। रूस ने ऐलान किया है कि वह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाएगा। इसी मुद्दे को लेकर रूस के उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंडर वी फोमिन ने पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत की है। पिछले एक महीने में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रूसी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 2 बार बात भी कर चुके हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना इन दिनों रूस में युद्धाभ्यास भी कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान और रूस के बढ़ते रिश्ते भारत के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से रूस के साथ बातचीत की अगुवाई रक्षा सचिव लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन ने की। दोनों देशों ने बताया कि इस बातचीत में रूस और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान शामिल है। इस बातचीत को भारत और रूस के साथ संबंधों में आई खटास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रूसी और पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों मुल्क रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। चीन ने अपने महत्वाकांक्षी BRI इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स पर जमकर पैसा बहाया है। चीन के इतिहास की यह सबसे महत्वाकांक्षी योजना है।
इसके तहत चीन पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप और अफ्रीका तक कुल 71 देश इस परियोजना का हिस्सा है। चीन ने इस पर सालाना 85 अरब डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन उसकी यह दरियादिली दुनिया के 42 देशों के लिए जी का जंजाल बन गई है। उन देशों पर चीन का 385 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35% परियोजनाएं भ्रष्टाचार, मजदूर हिंसा, पर्यावरण असुरक्षा और जनविरोध जैसी समस्याओं में फंसी है। स्थानीय स्तर पर लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है और सरकारों के लिए चीन के साथ करीबी संबंध बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। संबंधित देशों में विपक्षी दल हमलावर है, सरकारों के लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया है। एक स्टडी के मुताबिक अब से 2040 तक दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 94 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। इससे साफ है कि क्यों दुनिया को चीन के पैसों की जरूरत है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।